ओम शांति शरीर का नाम व्यासा बहन मैं 2005 से बाबा के ज्ञान में चली हूँ बचपन में भक्ति बहुत करती थी भगवान को ढूंढने की बहुत इच्छा थी छोटेपन से ही चार पाँच साल की उम्र थी तो सोमवार का व्रत शिवरात्रि का व्रत बस कोई भी व्रत नहीं छोड़ती थी कि मुझे ये भी करना है मुझे भगवान को पाना है और भगवान से मिलना है लेकिन मैं भगवान से हमेशा भक्ति में एक क्वेश्चन करती थी कि भगवान लोग बोलते हैं कि आप जंगलों में मिलते हैं तो मैं तो लड़की हूँ मैं कैसे जंगलों में जाऊँगी और आपको ढूँढूँगी तो भक्ति करते करते बड़े होते गए तो पढ़े भी ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग में सिलेक्शन हुई मैं हॉस्पिटल में नर्स की सेवा करती हूँ तो दो हजार उन्नीस <coughs> सौ उन्नीस में मैं ट्रेनिंग में सेलेक्ट हुई तो ट्रेनिंग पूरी करके बा नौकरी मिली मतलब ट्रेनिंग भी ऐसी कि पहला टेस्ट दिया और मैं सिलेक्ट हो गई कभी जिंदगी में कोई टेस्ट नहीं दिया था तो ये मेरी नौकरी भी शायद बाबा ने मुझे ऐसे गिफ्ट में ही दी है बाबा को शायद ये करना था कि मेरी हॉस्पिटल में मेरी सेवा चाहिए थी तो हॉस्पिटल की सेवा में जब आए शादी भी हो गई बाबा का ज्ञान मिला दो में अच्छा भरा बुरा परिवार दो बच्चे लेकिन भक्ति करते करते भी मैं मेरी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं होती थी मैं बहुत भगवान से क्वेश्चन करती थी कि भगवान मैं किस इतने सारे देवी देवता किसको मानूँ किसको छोडूं किसको खुश करूँ किसको नाराज करूँ आप बताओ कि सबसे बड़ा कौन है मैं उसकी पूजा करूंगी तो जब हम रिवालसर में आए तो रिवालसर में मुझे दीदियाँ मिलती थी ओम शांति वाली तो मेरी छोटी बच्ची है ढाई तीन साल की तो उनके पीछे पीछे दौड़ती रहती थी कि ओम शांति जाना है ओम शांति जाना है लेकिन मैं नहीं जाती थी क्योंकि घर से मुझे आ, मतलब आज्ञा भी नहीं थी कि मैं वहाँ जाऊँ तो एक दिन हॉस्पिटल में ऐसे बैठे हुए थे लंच टाइम में और एक सिस्टर है हमारे तो बाबा की मुरली पढ़ रहे थे मुझे उस टाइम पता नहीं था कि मुरली है लेकिन अचानक से एक बार ही मैं उनके कमरे में बैठी थी तो उन्होंने वो मैंने सुनी उन्होंने पढ़ी और मैं सुनी तो जब वो मुर जो सुनी मैंने मुरली और उसी दिन मतलब मुझे ये हो गया कि नहीं ये ही वो ज्ञान है जिसको मैं ढूंढ रही थी और ऐसा चस्का पड़ा कि मैं रोज़ उसी टाइम पे जब वो एक से तीन लंच टाइम में बाबा के घर जाते थे तो ढाई बजे आ जाते थे और तो ढाई बजे मुरली सुनाते थे चार पाँच थे हम लोग तो रोज मैं मुरली सुनती थी और मुझे बहुत अच्छा लगा भक्ति के सारे क्वेश्चन मेरे अंदर के खत्म हो गए फिर एक दिन उनकी ट्रांसफर ऑर्डर आ गए तो उन्होंने कहा कि सिस्टर जी आप जा नहीं सकते सेंटर तो आपको मैं यहीं यहीं मैं आपको लेसन दे देती हूँ तो उन्होंने वो पथ प्रदर्शनी वाली किताब खोली और मुझे आधे घंटे में समझा दी और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने वो तीन देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर और ऊपर बड़े शिव बाबा तो जब वो फोटो देखा तो बस उसी दिन उसी टाइम से मुझे विश्वास हो गया कि बस यही वो भगवान है जिनको मैं ढूंढ रही थी और मेरी सारी अंदर की जो प्यास है वो बुझ गई फिर मैं उसी दिन से एक बल और एक भरोसे से बाबा के ज्ञान में चली और 2006 2005 में अप्रैल में योग शिविर था माउंट आबू में तो शिस्ट ने बोला कि आपको आप अपने युगल पति को लेके परिवार सहित वहाँ जा सकते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला ठीक है चल पड़ेंगे घूमने फिरने जाएंगे मतलब मुझे तो अंदर से ज्ञान था लेकिन उनको नहीं था तो उन्होंने लेकिन हाँ कर दिया और हम योग शिविर करने अप्रैल दो में माउंट आबू गए और जब योग शिविर किया तो बहुत अच्छा लगा मेरे तो सारे जैसे मेरे तो पहले से ही खुले हुए थे सारे अंदर के चक्सु लेकिन मेरे युगल की भी आंखें खुली वहाँ जाके और उन्होंने भी उस दिन के बाबा को अपना मान लिया चलते चलते थोड़ा परीक्षाएं तो बहुत आई लेकिन मतलब एक बल एक भरोसे से दो एक बार तो घर में सिचुएशन थोड़ी ऐसी हुई कि मतलब उन्होंने बोला कि अभी है नहीं टाइम अभी आ, बच्चे छोटे हैं हम वहाँ क्या करेंगे अभी हमारा टाइम नहीं है तो मैंने बोला देखो मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ लेकिन मैं बाबा को भगवान को नहीं छोड़ सकती अगर आप प्यार से चलेंगे तो मैं चलूँगी अगर आप प्यार से चलाना चाहें तो मैं घर भी संभालूंगी नौकरी भी करूँगी और साथ में बाबा का ज्ञान भी सुनूँगी लेकिन अगर आप नहीं करें देंगे साथ तो फिर मैं आपको छोड़ सकती हूँ बच्चों को छोड़ सकती हूँ लेकिन मैं बाबा को नहीं छोड़ सकती और उन्होंने फिर उसी दिन से मतलब संकल्प कर लिया कि नहीं अब नहीं छोड़ने वाली तो मैं और वो भी चले मतलब ज्ञान में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ ज्ञान में चलने के बाद बाबा का इतना सहयोग मैं तो आज भी बाबा से बोलती हूँ कि बाबा आपने मुझे ऐसे मतलब फूलों की तरह से गोदी में उठा के चलाया कभी कोई परिस्थिति परिस्थिति आती भी है तो ऐसे बाबा एक मिनट में सॉल्व कर देता है उसको और हॉस्पिटल का तो मैं क्या अनुभव सुनाऊँ अस्पताल के तो इतने अनुभव हैं कई बार कई कई मरीज तो मतलब मेरी फ्रेंड जो होती हैं तो उन्होंने मुझे मुक्ति देवी के नाम से ये कर दिया था जब भी कोई ज़्यादा बीमार होते थे जैसे एक बार चंडीगढ़ से एक मरीज आता रिटर्न था भी डॉक्टर ने उसको मना कर दिया था कि आप घर ले जाओ घर सेवा करो उनकी तो घर नहीं लेके गए यहीं शहर के थे तो उन दो महीने उनको हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो गए शरीर नहीं छूट रहा था पहले तो मुझे नहीं आया लेकिन एक दिन मैं योग में बैठी हुई थी और मुझे संकल्प ऐसे बाबा ने टच कराया कि बच्ची उस आत्मा को आप पाँच मिनट दृष्टि दो वहाँ खड़े होके तो मैंने दो बजे मेरी ड्यूटी थी डेढ़ बजे मैं गई वहाँ पे और मैंने उस आत्मा को दृष्टि दी और दस मिनट में उस आत्मा ने मतलब आत्मा मुक्त हो गई शरीर से तो ऐसे से कई अनुभव जैसे कई केस ऐसे तड़पते हुए आते थे और मैं उनको बाबा की याद में दृष्टि देती तो शांत और सुखी हो के और इतनी दुआएं देते कि सिस्टर जी आप बहुत अच्छे हैं आपके आने से ही हमारी आपके बात करने से ही हमारी व्याधि बीमारी ठीक हो जाती है तो ऐसे ऐसे ज्ञान में तो बहुत सारे अनुभव हैं एक बच्चे भी दोनों अच्छे बाबा के बच्चे हैं बने हैं दोनों ज्ञान में चले हैं धरती पर भगवान आया हुआ है जो भी भगत आत्माएँ उसको इधर उधर ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पर आएँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे और अपना जन्म जन्म का भाग्य बनाएं ओम शांति